जी, मैं अभी जस्ट आईसीयू में गया था उनके बेड पे, और जो वहाँ डॉक्टर थे मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि वाइटल्स अभी उनके जो हैं वो रात में जैसे थे शाम से, वो अभी वैसे ही हैं अभी भी। लेकिन ये है कि दवाओं की बदौलत और वेंटिलेटर की सपोर्ट से जो है वो उनको अभी रखा गया है स्टेबल, और अभी स्टेबिलिटी अचीव नहीं हुई है पूरी तरह से, अप डाउन चल रहा है अभी भी। फिर भी वो अभी वेंटिलेटर पे हैं, और मैं उनके समकक्ष खड़ा होकर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इनसे बोलूंगा तो ये सुनेंगी, क्योंकि मैं तो माँ को देखता हूँ तो लगता है उठ जाएगी। तो उन्होंने कहा भी एक बार कि आपको जो बात करना है कर लीजिए। तो मैं उनके कान में जाके मैंने बोला कि मम्मी, प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने चिंता जाहिर की है, और वो पूछ रहे थे कि शारदा जी कैसी हैं, छठी मैया कृपा करेंगी, जरूर ठीक होकर के आएंगी। तो मैंने हल्का सा उनका पुतली मूव करता हुआ देखा, जिससे मुझे बहुत आशा बंधी है कि शायद जीत करके माँ निकल आएंगी बाहर। आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये भी कहा कि मेरी बात एम्स के डॉक्टर से हो रही है, और मैं उनको अपना सुझाव देता रहता हूँ, और परमेश्वर कृपा जरूर करेंगे, ये उनका संदेश था। डॉक्टर्स की तरफ से पूरा सहयोग है, और परिजन कुछ हमारे जो साथ में है वो मेरे साथ है, मेरी बहन है वो बिल्कुल साथ रहती है, हम लोग दोनों व्यक्ति इनके साथ रहते हैं। और बहरहाल बीच में बस फोन फोन बहुत इतने ज्यादा फोन बज रहे हैं गलत खबर को लेकर के, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। जब इतनी तनाव के समय में हम लोग बाहर खड़े रहते हैं आईसीयू के, और बाहर से ही कोई फोन आता है कि उनके निधन की खबर आ रही है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। पर ये आग्रह करना चाहूंगा पूरी जनता को कि कृपया गलत खबर को फैलाने का जो ये फैशन है इसको बंद करें, ये अच्छी बात थोड़ी है। अभी ऐसी स्थिति में गलत न्यूज एक निगेटिव एनर्जी होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। वो ठीक होकर के बाहर आए उसके लिए अच्छी प्रार्थना हो वो जरूरी है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वेंटिलेटर पर है और वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, हमें उनको सपोर्ट करना है।